वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5। ये क्वेश्चन मैं आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन और उसके केसेस, तब मैं आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें आपको मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए स्टेप पहला था क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट। और फ्रैक्शंस में मैंने बताया था x प्लस 2x इज इक्वल टू 7.5 अगर कोई इक्वेशन है तो आपको पहले 7.5 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो ये आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो 8th क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब इसको डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। पहले तो इधर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2, राइट। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। बस ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने इधर माइनस 5x को क्या लिखा है 4x और x लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आ जाएगा 2x, तो बचेगा क्या x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2 हमने कॉमन लिया और इधर हमारा माइनस 1 लिखना पड़ेगा इफ यू आर टेकिंग x माइनस 2 एज ए कॉमन। तो मेरी दो इक्वेशन क्या बनी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। देयरफोर x की जो दो वैल्यू रहेंगी वो एक हो जाएगा 2 और दूसरी हो जाएगी 1/2 एंड दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।